दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सो दो दिसर एम बी बी एस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि नीट 2023 जो कि सात मई को होने जा रहा है उसमें आप क्या सेफेस्ट स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उसमें आपके लिए क्या सेफेस्ट स्कोर रहेगा ताकि आप अभी से तैयारी में जुट जाए और एक, अपना एक एम डिसाइड कर ले कि आप इतना स्कोर सेफेस्ट अगर आप करते हैं स्कोर तो आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि अभी प्रिपरेशन का फेज होता है और आप अभी से प्रिपेयर अच्छे से करेंगे तो आपको एक मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये सेफेस्ट मार्क्स से इतना तो आपको स्कोर एटलीस्ट करना ही है ताकि आपको श्योर शॉर्ट एक मेडिकल कॉलेज एक गवर्नमेंट एमबीबीएस जरूर मिल जाए तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सारा कुछ मैंने एनालिसिस बताया है और कितने मार्क्स आपको स्कोर करनी चाहिए वो भी बताया है और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ऐसा प्लीज ना करो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दो लाइक और शेयर का बटन भी दबा देना और वीडियो के अंत तक जरूर बनने तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि नीट ट्वेंटी में बिहार के स्टेट को जो है वो सीट मिल गई फाइनली हर कैटेगरी का मैं आपसे शेयर

दोस्तों तो फाइव में 597 मार्क्स वाले बच्चों को सीट मिला और रैंक था छह सौ चार मार्क्स दैट इज उन्नीस हजार एक सौ चौसठ मार्क्स रैंक की बात करो दो एस सैटेगरी में फोर फिफ्टी सिक्स मार्क्स और रैंक वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों तो उसमें 428 मार्क्स रैंक इज़ वन लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी वन अगर मैं डी क्यू कैटेगरी की बात करी तो उसमें तो दोस्तों बहुत कम मार्क्स पे होता है और इस बार क्या है नाइनटी फाइव मार्क्स दोस्तों इस बार मैं कहना चाहूंगी कि नीट में जिन भी लोगों ने 600 मार्क्स के आसपास अप्रोक्स लाए थे उन सभी का एडमिशन सक्सेसफुली नीट 2022 में हो गया है सो कंसिटिंग ऑल कैटेगरीज दोस्तों अगर मैं नीट 2023 का प्रोडिक्शन करूं तो अफकोर्स इससे मार्क्स और रैंक कम ही जाएगी क्योंकि बिहार में एक नया कॉलेज जरूर खुलेगा विच इज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज तो इसकी वजह से कट ऑफ है जो इस साल कम ही जाएगी और दूसरा फैक्टर ये है कि जो नीट का एग्जाम है वो सेवन मे को होने वाला है तो ये ड्रॉपर्स को बहुत अच्छे से फायदा ये पहुंचा रहा है ड्रॉपर्स को टाइम तो मिल जाएगा बट तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट होंगे जो इस साल ट्वेल्थ दे रहे होंगे उनको कम टाइम मिलेगा सो so, दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप इतनी मेहनत करो कि एटलीस्ट आप 595 प्लस या 600 मार्क्स तक अप्रॉक्स आप स्कोर कर लो ताकि आपकी जो एक सीट है गवर्नमेंट एम कॉलेज में वो पक्की हो जाए आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए आप अपने घरों में खुशियाँ देखो अपने माता पिता को प्राउड फील कराओ तो आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों फाइव प्लस से लेकिन सिक्स मेरा तो कहना है सिक्स प्लस से ही टारगेट करो अभी से तैयारी में जुड़ जो, जो टेस्ट सीरीज़ दो उसमें देखो आपकी रैंक कितने आ रहे हो और इतनी तैयारी करो एटलीस्ट आपको सिक्स प्लस मार्क्स की ऊपर ही आए ताकि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए सो so, दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में आप तक अभी तक बने हुए हैं थैंक यू सो मच सो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू लाइक का बटन जरूर दबा देना और शेयर भी कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव बाय